नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DRDO के एग्जाम के बारे में, ठीक है। जो कि फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है कंप्यूटर CBT होना था और वो हो चुका है। अब सेकंड मीटिंग के बच्चे जो है अपना एग्जाम देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लीज़, मैं भी अभी ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैं भी अभी एग्जाम देकर आया हूं, ठीक है। तो मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं कि एग्जाम किस प्रकार का आपका आया है, आपके मन में कुछ सवाल, अपना एग्जाम क्लियर करके जैसे आप अपने घर पहुंचोगे आपके मन में 2-3 सवाल जरूर उठेंगे कि आपका एग्जाम कैसा आया था, आप उसे कैसे मिला पाओगे, आपकी आंसर की कब आएगी, आपकी एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या होगी। तो आज के इस कॉम्बो वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि दोस्तों आपकी एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या होगी और आपका एग्जाम कैसा आया था, आपकी आंसर की कब तक आएगी और आप उसे कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं आप सभी का एक फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब अलर्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो आपका एग्जाम आज आ रहा है, आपका सिलेबस तो आप पहले जानते हैं कि आपके 100 क्वेश्चन आपका ट्रेड से वाइज है और 50 क्वेश्चन आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, बड़ा ही सिंपल तरीके का मैथ आया हुआ है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके का मैथ आया हुआ है और सिंपल सी 10 नंबर की अंग्रेजी आपके लिए आई है। उसमें कुछ मिक्सचर क्वेश्चन आपको साइंस के जरूर मिलेंगे, जो 2-4 क्वेश्चन आपको टेक्निकल में साइंस से मिलेंगे, जैसे कि गति का नियम, ठीक है, संधारित्र, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पिंड, मास, द्रव्यमान, इनसे रिलेटेड भी आपको मिलने वाले हैं। टेक्निकल की बात करते हैं तो टेक्निकल में किसी एक मेन ट्रेड का आपका पेपर नहीं आ रहा है, ठीक है, वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। मान लो जैसे आपका टर्नर है, फीटर है, मशीनिस्ट है, तो आप ये मत सोचिए कि 100 के 100 क्वेश्चन आपके फीटर या मशीनिस्ट के ही आएंगे, ठीक है। आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन शीट मेटल के मिल सकते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको वेल्डिंग के मिल सकते हैं, पाइप फिटिंग के मिल सकते हैं, फीटर में आपको हल्का फुल्का कुछ मशीनिस्ट का मिल सकता है, ठीक है, इस प्रकार से मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके आंसर की के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपकी आंसर की होगी वो इस अगले मंथ के, जो आपका अगला मंथ आएगा अक्टूबर का, अक्टूबर के लास्ट सेकेंड वीक के बाद आएगी, ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 हफ्तों के बाद आपकी आंसर की रिलीज करी जाएगी। और लिंक जो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, दूसरा वीडियो बनाकर भी आपको बता दूंगा, नोटिफिकेट कर दूंगा, वरना ऑफिशियली वेबसाइट आप यहाँ पर खोल सकते हैं और यहाँ पर जो व्यू नोट्स लिखा है, जहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पर ये इस घेरे में जो व्यू नोट्स लिखा है, इस पर आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा आंसर की डाउनलोड करने के लिए। तो आप आंसर की डाउनलोड कर अपने जो पेपर, अपना रोल नंबर फिल करोगे और रोल नंबर फिल करने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड भरोगे, तो आपकी आंसर की, आपका एग्जाम जो है डाउनलोड हो जाएगा। आप मिलाकर चेक कर सकते हो कि आपके कितने नंबर सही है, नेगेटिव मार्किंग तो कोई भी नहीं थी। और जो आपका रिजल्ट होगा वो अक्टूबर के लास्ट वीक के बाद ही आपका रिजल्ट जो है अपलोड किया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी दोस्तों कट ऑफ के बारे में, ठीक है, कट ऑफ आपका क्या रह सकता है। तो देखिए दोस्तों, मिनिमम के हिसाब के आपको जर्नल OBC SC कैटेगरी हिसाब से इसका कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। तो जो जर्नल का कट ऑफ होगा वो आपका, जर्नल का जो कट ऑफ होगा दोस्तों वो आपका होगा 125 से 120 के मध्य, ठीक है दोस्तों, 125 से 120 के मध्य आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो आपका जर्नल का, OBC के कट ऑफ की बात करते हैं। तो जो आपका OBC का कट ऑफ रहेगा वो आपका कट ऑफ रहेगा 117 से 120 के मध्य, 120 नहीं होगा, 120 117 ही होगा, 117 या 18 या 19 होगा, ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ OBC का नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम OBC के कट ऑफ के बाद SC व ST के कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो ये दो चीज़ मैं आपको नॉर्मल बता दूं, इन SC और ST के कट ऑफ में केवल 3 अंकों का ही अंतर मुश्किल रहेगा, ठीक है, इन 3 अंकों का, मतलब आपका 110 से 115 के बीच ये दोनों कट ऑफ आपके इसमें आ जाएंगे। फीमेल कट ऑफ भी इसी के लगभग में होगा जनरल के, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो था इतना भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपलिफिकेशन तरीके से आया हुआ है, बस थोड़ा सा माइंड पर आप जोर डालकर अपने पेपर को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे पेपर के मीडियम स्पोर्ट को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि कट ऑफ आपका इतना जरूर जाएगा, ठीक है दोस्तों, इतना कट ऑफ आपका नॉर्मली है, 125-120 के हायर फेयर में आपका सारा का कट ऑफ रहना है, ठीक है दोस्तों। तो इस उम्मीद में रह रहे कि आपका 100 या 110 के लगभग कट ऑफ जाएगा, क्योंकि इतना भी सिंपल पेपर नहीं था कि आपका इतना बिल्कुल लॉ कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो जो कि DRDO का एग्जाम है, और बच्चों की बात करें तो कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर नखलाऊ में जो अभी एग्जाम हुआ है, तो नखलाऊ में जो एग्जाम हुआ है उसमें केवल और केवल 200-250 बच्चों की शिफ्टिंग थी, जिसमें से केवल और केवल 120 बच्चों ने पेपर दिया है और बाकी ने पेपर छोड़ दिया। तो नॉर्मली ऐसे ही सेंटर देहरादून दिल्ली में अलग अलग लगे हुए हैं, तो नॉर्मली वहाँ पर भी ऐसे लोग पेपर देंगे। तो आप इस जहाँ से मैंने रहे हैं कि सेंटर अधिक है, ज़्यादा है, तो अधिक बच्चे पेपर देंगे, लेकिन कट ऑफ आपका हाई जाएगा क्योंकि वैकेंसीज भी इतनी नहीं है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।